वाले हैं, फॉर्मेट करने का तरीका तो आप हाथों से कैसे भी कर सकते हो। मतलब कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में अगर आप फॉर्मेट करोगे तो फॉर्मेट आप प्लस माइनस बटन दबा के हाथों से भी कर सकते हो, या कस्टमर सेटिंग में जा करके भी कर सकता है। लेकिन जो मोबाइल फोन में जो फ्लैश करने का तरीका है, मतलब मोबाइल फोन में जो सॉफ्टवेयर डालने का तरीका है, वो आपको ये तरीका होता है। इसी तरीके से मोबाइल फोन में क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर डाला जाता है, मतलब फ्लैशिंग किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए सबसे पहली बात तो आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरी चीज क्या होना चाहिए, तीसरी चीज केबल, हाँ डाटा केबल, तीसरा चीज फोन, मतलब जिसमें सॉफ्टवेयर डालोगे। तो हमको इतने स्टेप से क्या करना होता है, गुजरना होता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। हमने आपको बताया था कि हमारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी होती है कि हमारा सिस्टम कम से कम i3 होना चाहिए, उसमें से कम 4 GB रैम होना चाहिए, 256 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए, 256 GB SSD हो तो और अच्छी बात है, जिससे स्पीड पे काम करेगा, और हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फोन का जितना सारा सॉफ्टवेयर है, सारा सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे अवेलेबल है, बस हमको वहां से डाउनलोड करना है और मोबाइल फोन में डालना है। बट डालने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस, वही हमको क्या करना होता है, सीखना होता है। तो सबसे पहली बात है, हम लोग सीखने वाले हैं मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करना। क्या करना, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करना, मतलब किसी भी मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे डालेंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए सब लोग, टॉपिक डालेंगे फ्लैशिंग करना, मतलब मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालना, कि मतलब कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर आप कैसे डालेंगे। ठीक, आप देखिए फ्लैशिंग, ये तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए आपके पास एक बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने बताई कि आपको सॉफ्टवेयर डालने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। जब ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाल पाएंगे, नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं डाल पाएंगे। अच्छा, ये तो फ्लैशिंग करने का तरीका रहा। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्लैश करने का सिस्टम क्या होता है, मतलब फ्लैश करने का तरीका क्या होता है। आप डालो फ्लैश करने का कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको हार्ड रीसेट करने का तरीका बताया था कि वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबाओगे, फिर उसके बाद रिकवरी मोड खुलेगा, फिर वाइप डाटा खुलेगा, तब फोन फॉर्मेट होगा, बताया था कि नहीं बताया था। उसी तरीके से मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने का भी तरीका होता है। फ्लैशिंग करने का तरीका, मतलब आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा, उस मोबाइल फोन में आप सॉफ्टवेयर कैसे डालेंगे, या उस मोबाइल फोन को फ्लैशिंग कैसे करेंगे, फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात क्या होता है, कोई भी मोबाइल फोन आता है, अगर आप उस मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करना चाहते हैं या उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर करने के लिए हमको 5 ऐसे रूल्स होते हैं जो हमको क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। जब उन 5 नियम को फॉलो करेंगे तभी हम मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि कोई भी फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए पहली चीज तो आपको ड्राइवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए,
ड्राइवर के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज। अभी तो मैं आपको पांचों तरीके के बारे में आपको समझा देता हूँ, फिर पांचों तरीके के बारे में एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि पांचों चीज कैसे यूज करना है और इनके माध्यम से मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाता है। सबसे पहली बात क्या, फ्लैशिंग करने के लिए पांच तरीके तो समझने हैं। और मोबाइल फोन में हम फ्लैशिंग कब करते हैं, आपके पास कोई भी कस्टमर मोबाइल फोन लेकर के आता है, जैसे मोबाइल फोन लेकर के आया, कहता है हमारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालना है, तो सॉफ्टवेयर डालने का मतलब क्या होता है कि या तो वो मोबाइल फोन जब लेकर के आएगा तो वो मोबाइल फोन डेड होगा। कैसा होगा? डेड होगा। दूसरी कंडीशन, डेड होने का कारण क्या है, वो फोन अपने मन से चलते चलते बंद हो गया। दूसरी सिचुएशन आती है कि फोन हैंग हो रहा है या फोन हमेशा ऐसा लोगों पे लिख के खड़ा हो गया, जैसे रियलमी, ओप्पो, वीवो, जो भी होता है वो अपना नाम लिख करके वहीं पर रुक जाता है। या चौथी समस्या आती है कि फोन अपने मन से रीस्टार्ट होता है। क्या होता है? रीस्टार्ट होता है, मतलब अपने मन से चलता है, बंद हो जाता है, चलता है, बंद हो जाता है, ऐसी समस्या आती है। या फोन ऐसी समस्या आती है कि फोन का कोई फीचर गायब हो जाता है। गायब का मतलब होता है सेटिंग चला गया, गैलरी चला गया, या मोबाइल फोन में कोई प्ले स्टोर ही गायब हो गया, या मोबाइल फोन में जहां पर डाटा स्टोरेज करते हो वही गायब हो गया। मतलब कोई भी चीज ऐसी होती है जो मोबाइल फोन में मिस हो जाती है और आपको दोबारा रिसीव नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन पर हम लोग मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कर देते हैं। फ्लैशिंग करने का मतलब है कि मोबाइल फोन में पूरा सॉफ्टवेयर नया डाल दिया। क्या कर दिया? पूरा सॉफ्टवेयर ही नया डाल दिया। जब पूरा सॉफ्टवेयर ही नया डाल देंगे तो हमारा मोबाइल फोन बढ़िया फर्स्ट क्लास सही से चलने लगता है। तो ये जो पूरा नया सॉफ्टवेयर डालने की जो प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग। क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग। तो पहली चीज तो आपको ड्राइवर के बारे में पता होना चाहिए। ड्राइवर जो होता है, मैं छोटा सा इसका लिख भी देता हूं, यह फोन को कनेक्ट करता है। ड्राइवर क्या काम करता है? मोबाइल फोन को कनेक्ट करता है। अगर मान लिया आपके फोन में ड्राइवर नहीं होगा तो आपका फोन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। ड्राइवर के बाद अगली चीज होनी चाहिए फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल का मतलब होता है मोबाइल फोन का ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इसकी भाषा में बोला जाता है फ्लैश फाइल। क्या बोलते हैं? फ्लैश फाइल। तो मोबाइल फोन का जो ओएस है, ओएस का मतलब जैसे आपने मोबाइल फोन को चालू किया, चालू करने के बाद जब आपका मोबाइल फोन जो चल रहा है, जो फंक्शन खुल रहे हैं, इसी फंक्शन को बोलते हैं मोबाइल फोन का ओएस। जैसे कंप्यूटर में विंडो को नहीं बोला जाता, उसी तरीके से जो मोबाइल फोन ऑपरेट होता है इसको बोलते हैं ओएस। तो ये फ्लैश, उसी को बोलते हैं इसकी भाषा में फ्लैश फाइल। उसके बाद तीसरी चीज होती है फ्लैश टूल। यह माध्यम होता है फ्लैश टूल। फ्लैश टूल क्या होता है? यह एक माध्यम होता है जो फाइल को स्टोर करता है। मतलब जैसे जो भी फाइल है, जब आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हो तो डाउनलोड करने के बाद जो मोबाइल फोन में डालेगा उसको टूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे टूल का मतलब होता है कि जैसे मान लिया इंटरनेट से तुमने कोई मूवी डाउनलोड कर ली, और डाउनलोड करने के बाद उसको मोबाइल फोन या कंप्यूटर कहीं पर भी तुमने रख लिया, जब तुम उसको रख लोगे तो रखने के बाद उसका क्या करोगे? वो क्या अपने मन से चलेगी? नहीं चलेगी। जब उसको ओपन करोगे तो ओपन करने के लिए तुम किसी प्लेयर में लोड करोगे। प्लेयर का मतलब होता है जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर, एमएक्स प्लेयर, इस तरीके से बहुत सारी प्लेयर्स होती हैं, उस प्लेयर में ओपन करोगे। जब ओपन करोगे तभी तो कहोगे। जैसे एग्जांपल सी बात है कि जैसे तुमने खाना बना, सारा सामान लिया है खाना बनाने का, दाल चावल आटा सब कुछ लिया है, और उसको रख लिया, रखने के बाद अगर उसको गैस में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके लिए क्या चाहिए? पतीला चाहिए, कुकर चाहिए। तो ये क्या होते हैं? टूल हैं। ये टूल क्या काम करते हैं? उस खाने को बनाने का काम करते हैं। उसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर होता है, जब हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद मोबाइल फोन में ऐसे तो नहीं जाएगा, वो एक टूल के माध्यम से तब जाता है। अगर उसको डायरेक्ट डालोगे तो डायरेक्ट मोबाइल फोन को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई कॉपी पेस्ट करने वाला सिस्टम नहीं होता, इसमें इंस्टॉल करने वाला सिस्टम होता है, इसलिए वो फ्लैश
टूल के माध्यम से मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद अगली चीज होती है बूट की। बूट की का मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन के अंदर एक हिडन बटन होती है। क्या होती है? हिडन बटन होती है। हिडन बटन का मतलब होता है कि जब आप बटन दबाते हो तभी उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर जाता है। ऐसा कंपनी ने, मतलब मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी ने ऐसा किया है कि एक बटन बनाई है, उस बटन को मोबाइल फोन के अंदर छुपा दिया है। वो क्यों छुपा दिया? उसका छुपाने का सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर वो बटन नहीं छुपाएगी तो कोई भी आदमी मोबाइल फोन में डाटा केबल लगाएगा, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर चला जाएगा, आ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर हमेशा बार बार करप्ट हो जाएगा। इसलिए कंपनी ने एक बटन छुपा दिया। वो बटन सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होती है जो रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन हैं या जो रिपेयरिंग करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को पता होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कल को आप बीमार हो जाते हो तो बीमार होने का मतलब क्या है? आपको क्या करना, दवा लेते हो और अपने इंजेक्शन में भरते हो और अपने शरीर के अंदर लगा लेते हो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि उसको लिया कहीं भी खप्पो से घुसेड़ दिया, ऐसा भी नहीं भाई। लगाना तो बॉडी के अंदर ही है लेकिन कहीं भी नहीं लगाना, उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसी पॉइंट्स पे लगाया जाता है तभी दवा अंदर इंजेक्ट होती है। उसी तरीके से मोबाइल फोन में भी होता है कि एक ऐसी बटन होती है जिस बटन को दबाओगे तभी आपके मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर जाएगा, नहीं तो मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर नहीं जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं बूट की। इसके माध्यम से फोन कनेक्ट होता है, मतलब इसके माध्यम से भी मोबाइल फोन कनेक्ट होता है। मतलब जब ये बटन दबाओगे तभी फोन कनेक्ट होगा, नहीं आपके कंप्यूटर में सब कुछ पड़ा रहे, अगर आपने बटन नहीं दबाया तो आपका मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद पांचवा स्टेप होता है प्रोसेस, मतलब तरीका। ये सारा सब कुछ आपने लिया और अपने कंप्यूटर में रख लिया, और कंप्यूटर में रखने के बाद उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी सब चीज सीखना है कि मतलब फ्लैश फाइल जो इंटरनेट से डाउनलोड करी, डाउनलोड करने के बाद उसको मोबाइल फोन में कैसे डालना है, कौन सा फाइल सही है, कौन सा फाइल गलत है, अगर हम गलत फाइल डाल देंगे तो मोबाइल फोन में क्या इफेक्ट करेगा, क्या मोबाइल फोन गलत फाइल को लेगा कि नहीं लेगा, क्या मोबाइल फोन के अंदर गलत फाइल आ जाएगी तो हैंडसेट डेड हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रोसेस में आपको क्या करनी है, समझनी है। तो हमारे सॉफ्टवेयर डालने के लिए कितने तरीके होते हैं? पांच तरीके। एक तो सबसे पहला क्या होता है? ड्राइवर। उसके बाद दूसरा क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? प्रोसेस। जब ये पांचों चीजें हम समझ जाएंगे तभी हम मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाल पाएंगे। अगर हम पांचों चीज नहीं समझ पाते तो हम मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर नहीं डाल पाएंगे। अब हम पांचों चीजों के बारे में एक एक करके आपको डीपली से समझाएंगे कि ये क्या काम करता है, 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 इसको इंटरनेट से कहां कहां से हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो पहले आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है।